आए और जो घर से खाना लेके आए थे उसे गर्म करने के लिए दे दिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाना था। तो हमने एक ही कप चाय मंगाई थी, पर यहाँ पे दो कप आ गए हैं। पर मेरे ख्याल से चाय एक ही की कॉस्ट होगी, मैंने बिल भी नहीं चेक करा, पता है। धन्यवाद। चाय पी के फिर जाएंगे नहाने के लिए और आपसे मिलते हैं तैयार होने के बाद। स्कूटी पे इतना ज़्यादा तैयार हो गए हम, स्कूटी कर रहे हैं बिकॉज वही कन्वीनियंट है यहाँ के लिए। तो यस, अगर तुम जिस तरह से कर रहे हो ना, बाय, चलो चले। मैं अपने बाल बांध देता हूँ, बांध ले। तो गाइस अभी हम ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप यहाँ पर 1 किलोमीटर का लोग बोलते डिस्टेंस है, बट 1 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग किसी के बकावे में बताइएगा कि बोले कि वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वॉकिंग डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता। और अभी कोई ढूंढ रहे अपन, कन्नी माता के लिए रोप से जाते हैं। करनी माता टेम्पल जाने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है ट्रेकिंग, जहां आपको काफ़ी सारी सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। हमें अपना टाइम बचाना था, इसीलिए हमने रोप का ऑप्शन चूज़ किया। सो गाइस, जब तक हमारा नंबर नहीं आ रहा रोप का, हम करनी माता टेम्पल जा रहे हैं। यहां पे 349 आएगा तो हमारा नंबर आएगा। तब तक मैम हमारी मैगी खा रही है, क्योंकि मैगी एक ऐसा फूड है, एक ऐसी डिश है, एक ऐसा पैकेट फूड है जिसे आप कहीं भी कभी भी और कैसे भी खा सकते हो। और स्पेशली ये ब्लू लेस, इसके अंदर क्रश करके डाल के खाओ, मज़ा आता है। यस, 339 नंबर आ चुका है और 349, तो 10 मोर टू गो और आई थिंक वी कैन सी सम फूड। तो कितने की टिकट पड़ी थी हमें? हमें पड़ी 610 रुपये की। 610 रुपये की दो जनों की? दो जनों की टिकट। तुमने प्राइवेट वाला लिया? जिनमें हमें प्राइवेट है, और उसमें 3D का वो था जो आपने देखा है। बहुत ही बेकार, वो तो बहुत ही बेकार। वैसे अगर जैसे कंबाइन में जाएंगे तो कितने का कॉस्ट होगा? 400 करीब का है। 400 कंबाइन में, फिर भी महंगा है दो जनों का ना, आने जाने का सब इंक्लूड है। और कितनी देर करवाएंगे? कितनी देर क्या, वहाँ ऊपर चले जाओ। हाँ, पर्ची दिखा दो बस, फिर जब आओगे वो पर्ची दिखा दो, वापस आ जाओगे। ओके चलो ठीक है। सो गाइस, अब आपको क्या करना था कि आपको पहले टोकन लेना है, और टोकन लेने के बाद आपका नंबर आएगा, फिर नंबर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर लाइन में लगना पड़ेगा। सो देखो भाई, लाइन है और यहाँ पर आपको लगना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगी ट्रॉली वो आ रही है जो, और फिर चलो। सो गाइस, बस आने वाले हैं और एक और राउंड अब ये जा रहे हैं यहाँ से, और फिर आ जाएगा हमारे साथ।
कुछ नहीं था। ये वाला नहीं था। अच्छे टाइम पर यहाँ पर पहुँचे थे हम लोगों ने करीब 5 बजे झूले की एंट्री ले ली थी, इसीलिए हम लोग सनसेट भी एंजॉय कर पाए और नाइट व्यूज भी। होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ का सनसेट, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और अब हो गया है और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, सो इट्स टाइम टू गो बैक। और उन्होंने गए वापस क्योंकि हम भोलेनाथ जी को माला चढ़ाना भूल गए थे, तो इसलिए वो वापस गए चढ़ाने के लिए। सो ही इज कमिंग बैक एंड देन वी विल गो बैक। ओके कितने का बंदी? ये मेरे नहीं आएगा, लेकिन क्यों नहीं आएगा? मेरा हाथ छोटा है ना। हाँ तो इसके इतना छोटा था, इसका छोटे इसमें ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। नोनो मुझे यही चाहिए, देख लो। ये 6 नंबर है। हाँ बहुत बड़ा हो गया। मंदिर के दर्शन और सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने किया वापसी का रुख। ये सब करते करते हमें 7 बज चुके थे एंड हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारा बगोर की हवेली का शो मिस होने वाला है, लेकिन फिर हमने ये जवानी है दीवानी की नैना की बात याद की और सोचा कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, तो इसलिए ये पल ही इन्जॉय कर लेते हैं। अभी मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, एक्चुअली मैं नहीं, हम दोनों, लेकिन अभी हमें बगोर की हवेली वाला जो डांस है फोक डांस वो देखना है, तो हम आज हमारे साथ अच्छा हो गया और हम कैमरे में बैठे हैं। आई लव यू। तो यस हम कैफे में बैठे, हमने ऑर्डर करा बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, 15 मिनट रह गए अभी तक तो आया नहीं है, तो उन्होंने भी कुल्लर वाली चाय लेने के और ठीक है, फिर हम पास में ही हैं, मतलब 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जिस यहाँ से, जिस कैफे में हम बैठे हैं, और फिर हम लोग जाएंगे वो डांस देखने के लिए, इसीलिए मैंने सारे अपने वो यूज़ कर दिए हैं और मैंने डांस करा है बाहर। छुट्टी बाय। बहुत बड़ा सीन कट गया गाइस यहाँ पे, और कहाँ चल गया उन्होंने का हटवा। ओह माय गॉड बेबी, यहाँ पे चाय गिर रही है हमारी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं बगोर की हवेली में शो देखने। ये तोप है, ये अंग्रेज हैं। Oh,
राजस्थान से 13 तालीम नृत्य का।
बगोर की हवेली का डांस इंजॉय करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। हम लोग पहुँचे अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने किए अपने आउटफिट्स चेंज और हमने किया डिनर ओपरे रेस्टोरेंट में। ये वही था जहाँ हम स्टे कर रहे थे और ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है उदयपुर का। आप ज़रूर जाइएगा एक बार क्योंकि यहाँ पे नाइट व्यूज़ बहुत अमेजिंग होते हैं। अगले दिन की वीडियो अब आप इंजॉय करोगे अगले सैटरडे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी अपने नोन्स के साथ ताकि उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी बेटर हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय एंड टेक केयर।